ओम शक्ति ओम शक्ति ओम ब्रह्मा शक्ति विष्णु शक्ति शिव शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम ब्रह्मा शक्ति विष्णु शक्ति शिव शक्ति ओम ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम ब्रह्मा शक्ति विष्णु शक्ति शिव शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम ब्रह्मा शक्ति विष्णु शक्ति शिव शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम ब्रह्मा शक्ति विष्णु शक्ति शिव शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम ब्रह्मा शक्ति विष्णु शक्ति शिव शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम ब्रह्मा शक्ति विष्णु शक्ति शिव शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम ब्रह्मा शक्ति विष्णु शक्ति शिव शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम ब्रह्मा शक्ति विष्णु शक्ति शिव शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम ब्रह्मा शक्ति विष्णु शक्ति शिव शक्ति ब्रह्मा शक्ति विष्णु शक्ति शिव शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम ब्रह्मा शक्ति विष्णु शक्ति शिव शक्ति ब्रह्मा शक्ति विष्णु शक्ति शिव शक्ति ब्रह्मा शक्ति विष्णु शक्ति शिव शक्ति जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश्वरी भूमि उजागर कामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत महावीर विक्रम बजरंगी कुंभकर्ण वासुदेव कंचन बरन विराट सुबेसा कानन कुंडल लक्षित केसा आत्मरजोजा विराजे कामे भुजगजन शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप विद्यावान गुणी चातुर राम काज करने प्रभु चरित सुनने को रसिया राम लखन सीता नमस्ते सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंका जला भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज संहारा गाय सजीवन लखन जियाया श्री रघुवीर हर्ष उद्धारा रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भय संभाल सहस बदन तुमरो अस गावे अस श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिंस जुम कुबेर दिगपाल जहाते कवि तुम ओंकार सुनी वही कीना राम मिलाए राजपति तुमरो मंत्र भीषण माना मंत्रेश्वर भय संजय युग सहस्र योजन पर भानु मधुर बल जाना प्रभु मुद्रिका मेल मुख माई जल्दी नाम गए दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे देते आम द्वारे तुम रखवाले होते न आज्ञा पैसा सब सुख लय तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज संहारो आपे दीन लोका सीता भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब राम सुनाला नासे रोग हरे सब पीड़ा जप निरंतर संकट से हनुमान छुड़ावा मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा जिनके काज सकल तुम साजा घोर मनोरथ जो जीवन फल पावा चारों युग परताप तुम्हारा सिद्ध जगत पूजिया। साधु संत के तुम रखवाले असुर निकंदन राम दुलारे हर्ष भी नवनिध के दाता स्वर दीन जानकी माता धाम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म के दुख से राम। अंत काल रघुवर पुर जाय जहाँ जन्म हरि भक्त कहाय भूर देवता चिंतन धरे हनुमत सेव सर्व सुख करि संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान साईं कृपा करो गुरुदेव निहाय। जय 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 हनुमान साईं कृपा करो गुरुदेव निहाय। जो सत बार पाठ करे कोई छूटे बंदे महासुख होई जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होय साकी गोरी। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे ना हृदय में डेरा। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे ना हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो स्वरूप। लाल देह लाल नील से हरधर लाल वज्र देह दानव जय 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 कृष्ण। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम। See सिया राम सिया राम सीताराम 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 सीताराम। जय बागेश्वर धाम बागेश्वर धाम बागेश्वर धाम जय बागेश्वर धाम। सन्यासी बाबा राम बागेश्वर धाम राम सिया राम सीताराम 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 सीताराम। गढ़गांव में भजन राम सिया राम सीताराम सीताराम सीताराम। शेरोवाली मैया बोले 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 शेरोवाली मैया तेरे राम सीताराम 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 सीताराम। हनुमान तुम्हारा क्या कहना बजरंग बली का क्या कहना इनकी शक्ति का क्या कहना इनकी भक्ति का क्या कहना इनकी शक्ति का क्या कहना इनकी भक्ति का क्या कहना। माँ तुम्हारा क्या कहना बजरंगी तुम्हारा। सन्यासी बाबा क्या कहना गुरुदेव तुम्हारा क्या कहना देव तुम्हारा क्या कहना। सन्यासी बाबा क्या कहना बागेश्वर धाम क्या कहना। सन्यासी बाबा क्या बजरंग बली हनुमान पिया ये सात समुंदर नाम है और गढ़ लंका में लंका को जलाना क्या कहना सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। हनुमान 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 सिया राम सीताराम 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 सीताराम। बोलिए बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, हनुमान महाराज की जय। पावन पवित्र गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। सन्यासी बाबा हनुमान जी महाराज और आज नवरात्रि के 5वें दिन सकंद माता की पूजा, माँ के श्री चरणों में प्रणाम। अनंत कोटि भूषित माँ शिरोमाली कि आज पूरे विश्व के अंदर नवरात्रा की धूम मची हुई है और पावन पवित्र बागेश्वर धाम के अंदर आज शनिवार बहुत ही सुंदर दरबार लगा हुआ। तमाम हमारे जितने भी भक्त हैं उन सभी को शारदा मैया की जय, माँ शिरोमाली की जय, दुर्गे काली की जय और हनुमान जी महाराज मैया के साथ रहते हैं और पावन पवित्र बागेश्वर धाम के अंदर तो धूम मची हुई है। आप सभी भक्तों को बता दें कि धाम के अंदर 11 तारीख से अखंड 15 तारीख तक महादिव्य दरबार लग रहा है। इसी के साथ बहुत ही सुंदर वहां पे नवरात्रों का महापर्व भी मनाया जा रहा है बड़ी ही धूमधाम से। और 14 अप्रैल से आध्यात्मिक संवाद छतरपुर की पावन धरा पे यह कार्यक्रम भी बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो इसमें आप सभी धर्म प्रेमी सज्जन आमंत्रित हैं। बहुत ही सुंदर और प्यारे हनुमान जी महाराज श्री हनुमंत जन्मोत्सव के पावन अवसर पर श्री हनुमंत महायज्ञ 19 तारीख से 23 तारीख तक रोशनी बहन को सीताराम और रोशनी यादव भैया को सीताराम, तमाम हमारे जितने भगत हैं उन सभी भक्तों को एक बार सीताराम बोल देते हैं। साहिल भैया सीताराम, संतोष कुमार सीताराम, प्रेम भैया सीताराम, तमाम हमारे जितने भाई हैं जो कमेंट कर रहे हैं उन सभी भक्तों को सीताराम, हनुमान जी महाराज का परम आशीर्वाद परम स्नेह उनके परिवार पर बरसता रहे। मंजू बहन लिख रही है सीताराम भैया सीताराम, बहन सीताराम। नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे ऋषि भैया ऋषि यादव सीताराम, रोशनी कुमारी बहन सीताराम, तमाम हमारे जितने भी भगत हैं उन सभी भक्तों को बहुत बहुत आशीर्वाद। दिनेश भैया सीताराम भैया, मंजू सीताराम बहन, तमाम हमारे जितने भक्त हैं उन सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 19 तारीख से 23 अप्रैल तक हनुमंत कथा महोत्सव बागेश्वर धाम में मनाया जाएगा। इसमें आप सभी धर्म प्रेमी से जन आमंत्रित हैं। बाबा का आशीर्वाद पर भी बना रहे सीताराम भाई, मंजू बहन सीताराम, बहुत बहुत आशीर्वाद हनुमान जी महाराज की कृपा पर बनी रहे। ऋषि भैया सीताराम, जय श्री राम, जय श्री राम, बागेश्वर धाम की जय हो। ऋषि यादव भैया को सीताराम, तमाम हमारे जितने भी भक्त हैं उन सभी भक्तों को सीताराम। पावन पवित्र नवरात्रा की बड़ी ही धूमधाम से आज शनिवार का महादिव्य दरबार और उसके साथ पूरे भारतवर्ष के अंदर मैया के नाम के जयकारे गूंज रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है मैया का और धूमधाम से भगत हर घड़ी जगह जगह पे बड़ी श्रद्धा भाव से माँ के नवरात्र रखे हुए हैं। भक्ति को खंडित न होने दें, किसी भी प्रकार की आपके अंदर विघ्न आए लेकिन भाव से आपने नवरात्रे रखे हैं उनको विधि विधान से पूर्णता की तरफ सुंदर तरीके से आप करें। अनीता गुप्ता लिख रहे हैं, रोशनी कुमारी, अभी अम्बे जगदम्बे जय दुर्गे खप्पर वाले, अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तो माँ बालाजी की अर्जी स्वीकार करो, बालाजी मेरी अर्जी स्वीकार हो। अंशु भैया, सीताराम भाई, सीताराम, हनुमान जी महाराज की परम आशीर्वाद और आपकी अर्जी भी स्वीकार होगी। बागेश्वर धाम के अंदर जो भक्त लगे हुए श्रद्धा भाव से, भक्ति से, सन्यासी बाबा की जय, हनुमान जी महाराज की जय। तो रोशनी बहन को सीताराम, मंजू बहन को सीताराम, हमारे जितने भी भगत हैं उन सभी भक्त को बहुत बहुत श्रद्धा। ऋषि, मैं जसवीर लेकर आए हैं मेरे से मोहन यादव की। ऋषि भैया कमेंट कर रहे हैं, सीताराम भाई, सीताराम, विजेंद्र भैया, जय चंद्र भैया। फेसबुक से हमारे जितने भी, राजीव भैया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीने का ढंग आया। मंजू बहन, सीताराम, तमाम हमारे जितने भी भक्त हैं उन सभी भक्तों को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत नवरात्रों का बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। आपके घर के अंदर किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, विधि विधान से बहुत सुंदर तरीके से आप नवरात्र कर रहे हैं, नवरात्रों में लगे रहे और किसी भी प्रकार का गुस्सा ना करें, क्रोध ना करें। ऋषि भैया लिख रहे हैं माँ सिंहराज की तस्वीर लेकर आए हैं। ऋषि भैया गुरुजी को देने हैं ये बाल दो आप गुरुजी। गुरुजी किसकी तस्वीर लेके आए हैं? गुरुजी को देनी है। बागेश्वर धाम में महोत्सव चल रहा है, बहुत ही सुंदर महोत्सव चल रहा है। तो आप वहां पे जाके, ये साउंड के अंदर थोड़ी मिस्टेक आ रही है इसलिए हम साउंड को बंद कर देते हैं थोड़ा, क्योंकि क्लियर आवाज़ नहीं आ रही, साफ आवाज़ नहीं आ रही, थोड़े साउंड के अंदर मिस्टेक हो रही है, इसलिए बगैर साउंड के लाइव में कुछ आन ज़्यादा आएगा, इसलिए कंफ्यूजिंग हो रही है सभी भक्तों के। माइक के आगे आप भी, तो सभी भक्तों को सीताराम की तस्वीर है, ये क्या है? माँ दुर्गे मैया की तस्वीर है। हाँ, क्यों नहीं मर गया, अभी नवरात्रे चल रहे हैं, आप नवरात्रों के अंदर वहाँ पावन पवित्र बागेश्वर धाम में आइए और बहुत सुंदर। अभी तो गुरुदेव भगवान लगभग 15 दिन तक बागेश्वर धाम में रहेंगे, तो आप वहाँ पे आइए। माता रानी की तस्वीर आप दे सकते हैं। हे बालाजी, कोटि कोटि चम, मेरी बहन बागेश्वर धाम में है, चल सब उसकी अर्जी स्वीकार, अर्जी स्वीकार जरूर होगी भैया। रोशनी बहन, विजय बुक, सीताराम भाई, सुनीता सिंह, जय बागेश्वर धाम, जय सन्यासा, सुनीता भवन, सीताराम सत, ये स्वतंत्रता यादव बहन, सीताराम, तमाम जितने भी हमारे भक्त हैं सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत सीताराम। आप सभी भक्तों को बता दें 19 तारीख से 13 अप्रैल तक हनुमंत कथा महायज्ञ है, इसमें आप सभी भाग ले सकते हैं। महाराज जी, गुरु जी आज रात को लाइव आने वाले हैं, कौन से चैनल? रात को बागेश्वर धाम ऑफिशियल के नाम से है रोशनी बहन, आप उस पर रात्रि को लाइव आएंगे तो आप उनके ऊपर चैनल पे गुरुदेव भगवान को लाइव देख सकते हो। और इस और अनंत बलवंत हनुमान की बागेश्वर धाम से, ये स्वतंत्र यादव भैया, सीताराम भाई, सीताराम सरकार, नितिन सिंह, नितिन भैया, सीताराम, सीताराम भाई, सीताराम, ऋषि यादव, सिद्ध पाठ में हंगलाज देवी को सिद्ध पीठ में देनी, वो बोला आप। ऋषि भैया, हिंदी में लिखिए, थोड़ा हिंदी में कमेंट लिखिए, इंग्लिश में थोड़ा सा मेरे समझ में नहीं आ रहा, आप हिंदी में कमेंट करें थोड़ा सा ऋषि भैया, मैं समझ सकूं। आप हिंदी के अंदर पूरा लिखिए क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रही। तस्वीर आप गुरुदेव भगवान को देना चाहते हैं या कहाँ पे कहीं पे किसी और जगह देना चाहते हैं, समझ में नहीं आ रहा। आप हिंदी में लिखिए तब मैं पढ़ पाऊँगा ऋषि भैया। और ये मंजू सिंह बाबा, आज ऑनलाइन वालों की भी अर्जी लगेगी, बिल्कुल लगेगी, लगेगी भाई, बिल्कुल लगेगी, सभी की लगेगी। कल भी विनोद कुमार, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय सन्यासी बाबा। आशा, आशा बहन लिख रहे सीताराम। तमाम हमारे जितने भी भगत हैं उन सभी भक्तों को बहुत बहुत सीताराम। मंजू सिंह कौन से चैनल पर आएंगे? बागेश्वर धाम ऑफिशियल, बागेश्वर धाम सरकार के नाम से गुरुदेव भगवान का ऑफिशियल चैनल है, उसके ऊपर आएंगे लाइव, ठीक है? तो आप उस पर लाइव देख सकते हैं। सबसे बड़ा चैनल है, लोगो है झंडे का, लाल कलर का झंडे का लोगो है ऊपर, बागेश्वर धाम सरकार के नाम से। जब आप सर्च करोगे तो उसी के ऊपर आएंगे। बालाजी, मेरी अर्जी स्वीकार करो। आशा, अर्जी स्वीकार भाई। आप विधि विधान से पाठ करिए, हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ कीजिए, और शनिवार मंगलवार के दिन लहसुन प्याज मांस मदिरा वगैरह वगैरह जो आपके गलत खान पान है उसको त्यागें, भक्ति के अंदर लगें। तो जल का गिलास देना है। आपकी हर समस्या का समाधान होगा। हाँ, हमारे ऋषि है सिद्ध पीठमा हिंगलाज दरबार की तस्वीर मुकुल यादव लाए हुए हैं। गुरुजी को देने तो है, ये तस्वीर गुरुजी ले ले, यह हम बोलना चाह रहे हैं। मुकुल यादव जी वहीं पंडाल में बैठे हुए हैं, उनका अर्जी लग जाए, वह फोटो गुरुजी। सिद्धपीठ मां सिंगला दरबार की तस्वीर मुकुल यादव लाए हुए हैं, गुरुजी को देनी है तस्वीर। हो जाएगा, हो जाएगा, चिंता ना करो आप। ऋषि भैया, अगर आपके मन में इतना भाव है कि वह गुरुजी फोटो ले लें तो वह फोटो जरूर गुरुदेव भगवान तक पहुंच जाएगी। पंडाल में लिए बैठे उनकी अर्जी लग जाएगी, फोटो गुरुजी बिल्कुल बिल्कुल लगेगी भैया। अगर भाव, श्रद्धा और भक्ति के साथ अगर आप आए हुए हैं तो भक्ति के अंदर तो बहुत शक्ति होती है। आप टेंशन ना लें, आपकी हर अर्जी। रात को कितने बजे आएंगे? टाइम बता देंगे रात को, जबकि टाइम अभी तक कोई टाइम नहीं आया, क्योंकि जो बागेश्वर धाम सरकार का ऑफिशियल चैनल है उसके जो डिस्क्रिप्शन होते हैं, कम्युनिटी होती है, उसके अंदर डाल देते हैं जो भी सूचना होती है, लेकिन अभी तक कोई सूचना नहीं आई। मुकेश सिंह, जय हो बाबा बागेश्वर धाम सरकार की। ओम जय बागेश्वर धाम। अनीता गुप्ता बहन लगे सीताराम, बहन सीताराम। तमाम हमारे हरिओम हरिओम हरिओम। मुकेश भैया सीताराम। तमाम हमारे भगत हैं जितने भी सीताराम। ओंकार नाथ दुबे, जय बालाजी महाराज, जय सन्यासी बाबा। अनीता गुप्ता बहन सीताराम। और छतरपुर बागेश्वर धाम की परम स्थली में आध्यात्मिक संवाद और एक कार्यक्रम और भी चल रहा है, बहुत ही सुंदर। सीधी बात 13 तारीख को रात्रि 9 बजे, रात को 9 बजे होगी। आप सीधी बात आज रात्रि को 9 बजे लगभग आएंगे। पिछले सीधी बात कार्यक्रम को जैसा घोषणा की थी कि वो इन महीने हफ्तों में सीधी बात अपने पागलों से करेंगे। शुभ घड़ी आगे। पूज्य सरकार 13 अप्रैल रात्रि 9:30 बजे यूट्यूब पे आएंगे, ऑफिशियल चैनल पे, ठीक है? लगभग 9 बजे रात्रि को, आज रात्रि 9 बजे सीधी बात होगी। आप डायरेक्ट गुरुदेव भगवान से सीधी बात कर सकते हैं, और रात्रि के 9 बजे आप इस सभी भक्तों से बात होगी। कॉन्टैक्ट नंबर आप जब वीडियो चलेगी उसके अंदर बता दिया जाएगा। तो और बागेश्वर धाम के अंदर श्री हनुमान जन्मोत्सव पावन अवसर पर हनुमंत महायज्ञ है। उस महायज्ञ में अगर आप आपको यजमान बनना है तो यजमान के लिए 52, 44, 76, 41, 99 ये नंबर लिख दीजिए। यज्ञ होने वाला है हनुमान जयंती के ऊपर। उस यज्ञ में जो भी बागेश्वर धाम के भगत जितने भी हैं वो अगर भाग लेना चाहते हैं यज्ञ के अंदर, तो यजमान बनने के लिए तो नंबर कॉन्टैक्ट लिख लीजिए, और कोई सूचना लेनी हो तब भी आपको हम कॉन्टैक्ट नंबर दे रहे हैं 52 92 94 46 71 41 99 एक नंबर तो ये है। दूसरा नंबर 95 89 32 26 71 ये दो नंबर हैं, इन दो नंबरों पे आप कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। अरविंद भैया, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान। मंजू सिंह, वो कैसे करनी है बात? वो चैनल जो नंबर है, जो लाइव गुरुदेव भगवान आएंगे तो वो आपको नंबर दे दिया जाएगा आगे सामने, तो आप अपना फ़ोन लगाते रहिए, जब फ़ोन लग जाएगा तो आपसे डायरेक्ट बात हो जाएगी। आपको किसी प्रकार 9 बजे आपको बस बागेश्वर धाम सरकार का जो ऑफिशियल जब लाइव आएंगे तब आप उनसे डायरेक्ट बात कर सकती हैं। किस चैनल पर आएंगे गुरुदेव महाराज जी, बाबा कृपा कर बता दीजिए। और मेरी भी बागेश्वर धाम सरकार, बागेश्वर धाम सरकार के नाम से चैनल है, उसके ऊपर आएंगे। ठीक है, 9 बजे रात्रि, 9 बजे आज रात्रि 9 बजे। विनोद कुमार, जय श्री राम, जय गुरुदेव सन्यासी बाबा, बागेश्वर धाम की जय हो। बाबा के हवन सामग्री क्या है? जय श्री राम गुरुजी सन्यासी बाबा। हवन सामग्री, हवन के लिए जो सामग्री होती है वही हवन सामग्री है, उसी सामग्री से आप हवन ये कर सकते हो। साथ में आप अलग से, बस बात यह है हवन के टाइम के अंदर सामग्री तो वही होती है, 5 तत्व हो बढ़िया वाली, और जो भी सामग्री आप हवन के लिए आप यूज करते हो वही सामग्री होती है। हवन करते वक्त आपको ध्यान रखना होता है कि आप कुछ स्नान बनान करके बढ़िया, और किसी तरह का आपके अंदर कोई शरीर बिल्कुल अच्छा होना चाहिए और खान पान सही होना चाहिए। ये नहीं कि आप नशा है, नशा लेके आप हवन कर रहे हो, गलत खान पान करके आप हवन कर रहे हो, और दिमाग के अंदर कुछ आपके चल रहा है फिर हवन कर रहे हो, तो ऐसे फलीभूत नहीं होता। शांति के साथ, विधि विधान के साथ जो कार्य करोगे वही फलीभूत होगा, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। विनोद कुमार, जय श्री राम, जय बाबा सीताराम, दादा गुरु जी की जय हो। ये पंपा बापू यूट्यूब लाइव आएंगे गुरुजी? हाँ लाइव आएंगे भैया, यूट्यूब पे लाइव आएंगे रात्रि को 9 बजे। आप अपना 9 बजे आप गुरुदेव भगवान से मिल सकते हैं। पावन पवित्र बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 स्वामी धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज सन्यासी बाबा की कृपा आप सभी भक्तों पे बनी रहे, हमेशा खुश रहें, किसी भी प्रकार का कोई लाग लपेट, किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, जिंदगी के अंदर हमेशा सुख शांति और समृद्धि बनी रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। और आप सभी भक्तों के अंदर नवरात्रों के अंदर बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी भक्तों को, माताएं बहनें बुजुर्ग बच्चों को बहुत बहुत आशीष। नवरात्रों के अंदर भक्ति भाव से लगे रहिए। आज शनिवार का महा हनुमान जी महाराज का दिव्य पाठ कीजिए। सन्यासी बाबा हनुमान जी महाराज का विशेष शनिवार और मंगलवार ये बार होते हैं, इनके अंदर आपको भक्ति भाव से, आपको श्रद्धा से आप जो काम करते हैं वो फलीभूत होते हैं, और किसी भी चीज़ की ज़िंदगी में आपकी कोई कमी नहीं रहती। तो अपने आप में बागेश्वर धाम की महिमा अपरंपार है। सच्ची श्रद्धा और सच्ची भक्ति के साथ जो भगत यहाँ पे आता है, जो भगत हनुमान जी महाराज की भक्ति में रहता है, किसी भी प्रकार की उनकी ज़िंदगी के अंदर कोई भी कमी नहीं रहती, हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ रहती हैं। और अब तो एक पंथ के साथ साथ बहुत काम हो रहे हैं, नवरात्रे भी हैं, नवरात्रों का महापर्व है, इसी के साथ साथ नवरात्रों के साथ साथ संतों का पावन सानिध्य और पावन पवित्र बागेश्वर धाम के अंदर बड़ी धूमधाम से गुरुदेव भगवान आपको दर्शन देने के लिए बैठे हैं, क्योंकि अभी कथाएं नहीं हैं, 10-15 दिन बागेश्वर धाम के अंदर ही गुरुदेव भगवान हैं। बहुत ही सुंदर हमारा परम सौभाग्य है कि गुरुदेव भगवान बागेश्वर धाम के अंदर ही हैं और भक्तों की हर समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। तो ऐसे गुरुदेव को हम वंदन करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और ऐसे गुरु और ऐसी संस्थाओं के साथ हमेशा लगे रहिए, जुड़े रहिए। परम आनंद, परम सौभाग्यशाली हैं हम सभी के सभी कि ऐसे गुरुओं का सानिध्य प्राप्त करते रहें और मिलता रहे। थोड़ी देर में दोबारा से आएंगे हम लाभ। तब तक सभी भक्तों को कौन से नंबर पर होगी बात, नंबर बता दिया जाएगा। बहन जो आगे डिस्क्रिप्शन इसके टैग के अंदर आगे नंबर लाइव जब आएंगे 9 बजे लाइव आएंगे तब उसी के आगे ही नंबर होगा। जब लाइव का जो आप देखेंगे उसके आगे नंबर बता दिया जाएगा, आप उसी से कॉन्टेक्ट करके लाइव बात कर सकते हैं। तो शनिवार की आप सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी की, स्कंद माता की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और माँ का आज शुक्ल पंचमी तिथि दोपहर, इस शुभ तिथि पर माँ स्कंद माता की पूजा करें विधि विधान से और उनका आशीर्वाद आप प्राप्त करें। बोलो शेरों वाली मैया की जय, सन्यासी बाबा की जय, हनुमान जी महाराज की जय। थोड़ी ही देर बाद में फिर दोबारा आएंगे हम लाइव। तब तक अभी कुछ भक्त आए हुए हैं, उन भक्तों से मिल लेते हैं, उसके बाद फिर लाएंगे सभी भक्तों को। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय सन्यासी बाबा। तमाम हमारे जितने भी भक्त हैं उन सभी भक्तों को सीताराम खूब खूब आशीर्वाद, सन्यासी बाबा की जय, हनुमान जी महाराज की जय।